IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका, मैं हूं प्रशांत चरहे। राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया। इस दौरान विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से कहा कि लोकतंत्र में धमकी से काम नहीं चलता। उन्होंने कहा कि उन्हें गुजरात में 14 साल तक धमकियां मिलती रही हैं और इस खेल को वो जानते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यूपीए पर एनडीए की योजनाओं को अपनाने का आरोप लगाया है। राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूपीए सरकार ने पिछली एनडीए सरकार की योजनाओं को ही नाम बदलकर लागू किया। मोदी ने कहा कि एनडीए में एक योजना थी, उसमें मल्टीपर्पज योजना थी जिसे यूपीए ने आधार कार्ड योजना बनाकर पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर शासन में रहने के दौरान सत्ता के नशे में चूर होने का भी आरोप लगाया। मुझे 14 साल तक गुजरात में हर दिन जेल भेजने के जासा चिट्ठी आया करती थी। क्या खेल होते थे मुझे मालूम है, मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि जनता ने मुझे गौर का दायित्व दिया, लेकिन कभी न कभी तो इतिहास के पन्नों पर चीजें आके रहने वाली, और इसलिए धमकियों का चरित्र किसका है, भाषा किसकी है, ये सब जानते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के बयान से असहमति दिखाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आतंक के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की बात कही है। हम आपको ये भी बता दें कि बीजेपी पहले ही सईद के बयान से किनारा कर चुकी है और आज इस पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपना रुख साफ कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनी है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर चलेगी। अगर कोई बयान दे और हम उस पर चर्चा करें तो कोई अच्छी बात नहीं है। आतंकियों के मुद्दे पर हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने वोट देकर हमारा हौसला बढ़ाया है। कश्मीर के मतदाताओं ने न सिर्फ लोकतंत्र की आन बान शान को बढ़ाया है, लेकिन जो दुनिया भर में भ्रम फैले हुए थे कश्मीर के बाबत में, इन सारे भ्रमों को निरस्त करने का काम सर्वाधिक मतदान करके कश्मीर के मतदाताओं ने पूरा किया है। आम आदमी पार्टी के अंदर के भीतर मचे हुए कलह को अब और ज्यादा उजागर कर दिया गया। इस बीच केजरीवाल की टीम ने एक पत्रकार का फोन रिकॉर्ड कर लिया है। पार्टी ने योगेंद्र यादव पर केजरीवाल के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया। 4 मार्च को आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आम आदमी पार्टी नेता योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से हटाने का फैसला हो सकता है। इस बीच केजरीवाल की टीम ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार के एक पत्रकार का फोन रिकॉर्ड कर लिया है। अगस्त 2014 में पत्रकार चंद्र डोगरा ने द हिंदू में एएपी की राजनीति को लेकर एक लेख लिखा था। केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार ने जब डोगरा से खबर का सोर्स पूछा तो उन्होंने योगेंद्र यादव का नाम लिया। सूत्रों के मुताबिक एएपी की कार्यकारिणी में भी 26 फरवरी को फोन की रिकॉर्डिंग सुनाई गई थी और योगेंद्र यादव के खिलाफ बतौर सबूत अनुशासन समिति को भी रिकॉर्डिंग सौंपी गई है। और आम आदमी पार्टी में जारी इस घमासान पर केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि वो इससे बेहद दुखी हैं, यहां तक कि कल होने वाली आम आदमी पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव में केजरीवाल शामिल नहीं होंगे। इस बात की भी आशंका जाहिर की जा रही है कि बैठक में योगेंद्र और प्रशांत पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी नेता आशुतोष और आशीष खेतान ने आरोप लगाया है कि भूषण परिवार पार्टी पर कब्जा करना चाहता है। हालांकि योगेंद्र यादव का कहना है कि उन्होंने तो सिर्फ पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र के लिए आवाज उठाई थी। वहीं पार्टी की 4 मार्च को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव भी शामिल होंगे। मतभेद हर जगह होते हैं, होने चाहिए, बस मतभेद जो है वो मनभेद में ना बदल जाए, इसकी कोशिश करनी चाहिए। राजनीति बहुत धीरज और संयम का काम है, मुझे पूरा विश्वास है कि चीजें बेहतर होंगी। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर पार्टी में मचे घमासान पर चुप्पी तोड़ी है। केजरीवाल ने लिखा है कि पार्टी में जो कुछ हो रहा है उससे मैं बेहद आहत और दुखी हूँ। ये उस दिल्ली के भरोसे को तोड़ने जैसा है जिसने हम पर भरोसा किया। मैं इस गंदी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता, मेरा ध्यान सिर्फ दिल्ली में सरकार चलाने पर रहेगा। केजरीवाल की तबीयत खराब होने की वजह से वो 5 मार्च से 10 दिन की छुट्टी पर जा रहे हैं।
आम आदमी पार्टी के भीतर मचे इस घमासान के बीच मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद दिल्ली सचिवालय में सूबे के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ व्यवस्था कायम करने की बात कही है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जो भी उनसे रिश्वत मांगे उसकी बातों को वो रिकॉर्ड कर लें और 15 दिन के अंदर ही सरकार का एक तंत्र बना चुकी है जिसके बाद वो सारी रिकॉर्डिंग उन्हें सौंप दें जिससे वो भ्रष्टाचारियों पर नकेल कर सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी अब तक रिश्वत मांगता रहा है वो रिश्वत लेना अब बंद कर दे। संसद हमले के दोषी अफजल गुरु पर जारी विवाद के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अफजल गुरु के खिलाफ मिले सबूत नाकाफी थे। वो दुखी हुए थे। कांग्रेस नेता ने अफजल के शव के अवशेष को उसके परिजनों को सौंप देने की भी बात कही। बता दें कि यूपीए सरकार ने ही अफजल को फांसी देने का फैसला लिया था। उसे 9 फरवरी 2013 को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी और वहीं दफन कर दिया गया था। Well, I have been always in favor of returning the mortal remains. I was very upset about his being hanged. I did not think, whatever the Supreme Court's view might be, I personally did not think that there was any conclusive evidence which would warrant a death sentence. कांग्रेस ने अय्यर के बयान को उनकी निजी राय बताया है और कहा है कि ये फैसला यूपीए सरकार का था। वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी के मुताबिक यूपीए सरकार के समय ही फांसी दी गई थी तो मणिशंकर अय्यर को उसी समय आंदोलन करना चाहिए था। जो लोग भी आतंकवादियों को संरक्षित करने का काम करेंगे उन्हें देश से माफी मांगना पड़ेगा। अफजल गुरु के अवशेष और उसकी चीजों को वापस करने की पीडीपी की मांग को गृह मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक अफजल के अवशेषों को देने से घाटी में शांति व्यवस्था कायम रखने में दिक्कत हो सकती है। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए अफजल को फांसी देकर उसके शव को तिहाड़ जेल में ही दफना दिया गया था। जेल प्रशासन का कहना है कि अब अफजल का शव निकाल कर देना संभव नहीं है। पीडीपी ने अफजल गुरु की फांसी को गलत बताते हुए उसके अवशेष परिजनों को देने की मांग की थी। अफजल साहब को अगर ये राजनीति में इस्तेमाल करेंगे, उसके नाम को राजनीति में, तो वो गलत कर रहे हैं। दिल्ली और देश को हिलाकर रख देने वाले निर्भया बलात्कार कांड के आरोपी ने बेहद ही शर्मनाक बयान दिया है। एक इंटरव्यू में बलात्कार के दोषी मुकेश ने कहा है कि अगर वो चुप रहती तो बच जाती। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू में मुकेश ने कहा कि निर्भया और उसके दोस्त ने अगर हमसे लड़ाई नहीं की होती तो उन्हें इस कदर पीटा नहीं जाता कि उनकी जान ही चली जाती। रेप और हत्या को एक घटना करार देते हुए मुकेश ने कहा कि जब रेप हो रहा था तब उसे प्रतिरोध नहीं करना चाहिए था, उसे उस वक्त चुप रहना चाहिए था और हम जो कर रहे थे वो करने देना चाहिए था। अगर ऐसे होता तो हम निर्भया को कहीं पर छोड़ देते। इंटरव्यू में मुकेश ने ये भी कहा कि जो महिलाएं रात को बाहर निकलती हैं वो बदमाशों का ध्यान आकर्षित करने के लिए खुद ही जिम्मेदार होती हैं। एक लड़की अपने रेप के लिए आरोपी लड़के से कहीं ज्यादा जिम्मेदार होती है। उधर गृह मंत्रालय ने इस इंटरव्यू पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। मंत्रालय ने तिहाड़ जेल प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है कि कैसे रेप के दोषी के इंटरव्यू की इजाजत दे दी गई। आपको बता दें कि 23 दिसंबर 2012 को 23 साल की निर्भया के साथ दिल्ली में चलती बस में गैंग रेप हुआ था। इसके बाद 5 बलात्कारियों ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। इन्हीं में से एक मुकेश था जो उस वक्त बस चला रहा था। अगर इस तरह के लोग उनका जो सपोर्ट कर रहे होंगे चाहे कोई भी हो तो ये देश को एक बहुत बड़ा खतरा इनसे पैदा हो रहा है, इसलिए इनको जल्दी से जल्दी फांसी दे देनी चाहिए। देश की राजधानी में एक बार फिर दिखा है रफ्तार का कहर। दिल्ली के अशोक विहार में एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने एक ऑटो को टक्कर मार दी। दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए। खड़े ऑटो की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी जबरदस्त रही होगी। टक्कर मारने के बाद बीएमडब्ल्यू कार ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, लेकिन पीछे से आ रही एक दूसरी गाड़ी ने पीछा कर उसे कुछ दूर पर लगे बैरिकेड पर रोक लिया। फिलहाल बीएमडब्ल्यू चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हादसे में ऑटो में सवार 3 लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को जहांगीरपुरी के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने ऑटो चालक का मेडिकल कराने के बाद उसे घटना स्थल पर ही छोड़ दिया। ऑटो चालक घंटों घायल हालत में सड़क पर पड़ा रहा। आरोप है कि पुलिस पूरे मामले की लीपापोती में जुटी है। मैं गाड़ी स्टूडेंट हूँ, उधर से मैं आया, गोल चक्कर नहीं घूम के मैंने इधर से निकल गया। गलती हमारी है, मैं मानता हूँ, लेकिन जब वो मार के जब भी गया, कम से रुकना चाहिए, मुझे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। हमारे 3 लोगों में चोट आई थी। अच्छा,
तीनों लौटाई थी, हम टम्बू में तीनों थे, कार वाले तो भाग गए थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के काफिले की गाड़ी से टकराकर एक शख्स की मौत होने के बाद ड्राइवर पर FIR दर्ज कर ली गई है। कल रात मुख्यमंत्री के काफिले की चपेट में आकर एक शख्स की मौत हो गई थी। मामला सीएम की गाड़ी से टक्कर का था, लिहाजा जिला प्रशासन ने आनन फानन में मृतक सतपाल का पोस्टमार्टम करवाया। शव के गाँव पहुँचते ही तमाम बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में सतपाल का अंतिम संस्कार किया गया। नहीं रुके जी, उनको रुकना चाहिए था ना, रुकना चाहिए था, देखना चाहिए था, उनने तो रुके नहीं, कुछ देखे नहीं कुछ भी, ना घर पे आए ना वहाँ हॉस्पिटल में गए जी, कहीं भी नहीं आए। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने सफाई पेश करते हुए कहा कि सीएम को हादसे की सूचना नहीं मिली होगी, वरना वो निश्चित रूप से रुकते। पीड़ित परिवार को सीएम मनोहर खट्टर और अनिल विज दोनों ने 5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं करनाल पुलिस ने सतपाल को टक्कर मारने वाली करनाल पुलिस की PCR के चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और गाड़ी की चपेट में आने से मौत के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस घटना के बाद सीएम खट्टर पर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने हमले करने शुरू कर दिए हैं। बड़ी दुखद घटना है कि मुख्यमंत्री के काफिले से 3 लोगों के चोट लगती है, एक का निधन हो जाता है और उसके बावजूद मुख्यमंत्री वहां पर ब्रेक नहीं मारते। और मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री के काफिले में एम्बुलेंस जो फुली इक्विप्ड डॉक्टर के साथ है, मेडिकल फैसिलिटीज के साथ है, वो भी इस हादसे को नकारती हुई मुख्यमंत्री के साथ आगे बढ़ती रहती है। पिछले 48 घंटे में बेमौसम की बरसात ने देश के बड़े हिस्से में हाहाकार मचा दिया है। सबसे ज्यादा नुकसान खड़ी फसलों को हुआ है। फसल बर्बाद होने से विदर्भ में 6 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। बेमौसम बरसात से सबसे ज्यादा मार महाराष्ट्र के किसानों को पड़ी है। महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों में खेती को जबरदस्त नुकसान हुआ है। अनुमान के मुताबिक बरसात की वजह से करीब 40,000 हेक्टेयर खेती बर्बाद हो गई है। फसलें बर्बाद होने की वजह से वर्धा, बुलढाणा और यवतमाल से किसानों की खुदकुशी की खबरें आ रही हैं। किसान अब सरकार से जल्द मुआवजा पहुंचाने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं राज्य सरकार ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। आशंका है कि नुकसान की ये रकम 5,000 करोड़ रुपए तक जा सकती है। हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जिले के अफसरों के साथ बैठक की है। खेती को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, उसमें सबसे ज्यादा गेहूं का हुआ है और गेहूं का नुकसान होने से वो जो लोन लिए खेडूतों ने, सब हम सब ने हमारी खेती की खेती बर्बाद हो गई। इसके हिसाब से हमको अभी दवा पीने जैसा आ रहा है, सरकार कोई हमारी मदद करे, उसका सर्वेक्षण करने के आदेश दिए हैं। लोगों को जो उसमें मदद करने वो मदद तुरंत की जाए, ये भी हमने कहा हुआ है। और इसका कुल नुकसान कितना है इसका हम लोग अंदाजा लेंगे, उसका पंचनामा करेंगे और किसानों को जो भी उसमें मुआवजा देना है वो राज्य सरकार देगी। महाराष्ट्र कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नारायण राणे का विरोध थमता नहीं दिख रहा है। नारायण राणे ने कहा है कि कुछ कांग्रेस नेताओं ने उन्हें फोन किया। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के नए अध्यक्ष बनाए गए अशोक चव्हाण ने भी उन्हें फोन करके मनाने की कोशिश की है। अपने बयान पर कायम रहते हुए राणे ने कहा है कि मुंबई के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए किसी मराठी नेता को ही महाराष्ट्र का मुंबई का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि आज रात वो चीन जा रहे हैं और वहां से आने के बाद वे अपने फैसले का ऐलान करेंगे। राणे ने कहा है कि अगर ऐसा ही जारी रहा तो उन्हें सोचना पड़ेगा। हम आपको ये भी बता दें कि कल कांग्रेस के संगठन में फेरबदल किया गया, जिसमें 5 प्रदेश अध्यक्ष बदले गए। जयपुर में भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध कर रहे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट की अगुवाई में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमीन अधिग्रहण बिल के विरोध में विधानसभा का घेराव किया। प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने पहले लाठियां भांजी और फिर वाटर कैनन से पानी की बौछारें कर उन्हें खदेड़ा। इस दौरान करीब आधा दर्जन प्रदर्शनकारी घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल देश दिन भर की अहम खबरों में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम ताजातरीन खबरें आप देखते रहें IBN 7 पर।